हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर और उसके एमसीक्यूज। सो लेट्स बिगिन विद दी एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ये जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, उसके ऑथर कौन है। तो चार ऑप्शंस हैं और आपको एक अप्रोप्रिएट या फिर सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, थर्ड विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, या फोर्थ विलियम डगलस। सो ऑप्शन नंबर डी, विलियम डगलस या डूगलस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विलियम डगलस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड। ये जो ऑथर है हमारे विलियम डगलस, इन्होंने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है। ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड साइंस, ऑप्शन सी साइंस एंड सोशल स्टडीज, एंड ऑप्शन डी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो ऑब्वियसली इंग्लिश के राइटर है तो इंग्लिश में तो होना जरूरी ही है इनके ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये किस बारे में बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए फेयर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है हमारे ऑथर विलियम डगलस का। ये विलियम डगलस की खुद की स्टोरी है। वो बचपन में अपने फादर के साथ जब 3 ईयर्स के थे तो कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, एंड वहाँ पर उनको ह्यूज वेव्स ने उनके ऊपर आ गई थी, बड़ी बड़ी वेव्स और लहरें, और उनको नॉक डाउन कर दिया, यानी कि ज़मीन पर गिरा दिया। तो बस तब से उनके दिल में डर आ गया था पानी से, वो बहुत ज़्यादा पानी से डरने लगे थे। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने याकिमा रिवर के पास में एक YMCA पूल हुआ करता था, वहाँ पे स्विमिंग सीखी। तो वहाँ पे 18 ईयर्स के एक बच्चे ने उनको बुली किया और धक्का दे दिया पानी में, जिस वजह से उन्होंने बहुत कोशिश की पानी में ऊपर सरफेस तक आने की, पर वो आ नहीं पाए, वो डूब गए। उनकी मल्टीपल अटैम्प्ट, 5 बार उन्होंने अटैम्प्ट किया ऊपर सर्फेस तक आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाए एंड वो डूब गए, यानी कि लिटरली वो मरते हुए बच गए थे। तो ये जो सिचुएशंस थी, इन सिचुएशंस ने उनके दिल में एक बहुत ख़तरनाक पानी का डर बिठा लिया था। तो बस उसी बारे में ये चैप्टर है कि कैसे उन्होंने लास्ट में एक इंस्ट्रक्टर यानी कि एक स्विमिंग ट्रेनर को हायर किया, उससे स्विमिंग सीखी, एंड फाइनली वो अब बिल्कुल नहीं डरते पानी से। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे डर लगता था पहले मौत से यानी डेथ से, लेकिन मैं तो डेथ एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ, और डेथ तो बहुत पीसफुल होती है। जो डर होता है डेथ का वो ज़्यादा टेरिफाइंग होता है, डेथ तो बहुत पीसफुल होती है। तो कहते हैं मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और कैसे उन्होंने अपने इस पानी के डर को ओवरकम किया और एक बहुत शानदार स्विमर बने। वो लेक्स में स्विम कर जाते थे अब अकेले, कैसे उन्होंने अपने इस डर को ओवरकम किया और वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए, तो उसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो स्टोरी है डीप वाटर, ये किस बारे में बात करिए। तो नंबर वन फेयर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, यानी कि जो पानी से रिलेटेड डर था विलियम के अंदर, और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया, उस डर से बाहर निकले, ये पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी फेयर ऑफ पीपल, उनको लोगों से डर लगता था, नो। फेयर ऑफ डॉग्स, उनको डॉग्स से डर लगता था, एनिमल्स से, नो। फेयर ऑफ स्विमिंग, उनको स्विमिंग से डर लगता था। अगर स्विमिंग से डर लगता होता तो वो इंस्ट्रक्टर कभी हायर नहीं करते उससे स्विमिंग सीखने के लिए। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन, दैट मीन्स फेयर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। कैसे उन्होंने स्विमिंग सीखी, अपने डर को ख़त्म किया, और उन्होंने अपने लाइफ से डर नाम की चीज़ को बिल्कुल निकाल दिया। नेक्स्ट, हाउ डिड द ऑथर्स फेयर वैनिश। ये जो ऑथर का डर था पानी का डर, ये वैनिश कैसे हो गया, कैसे गायब हो गया। तो ऑप्शन ए विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, उन्होंने अपने अंदर करेज हिम्मत लाई पहले तो, कि मतलब मुझे स्विमिंग सीखना है। उनको गाइडेंस मिली उनके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से, और डिटर्मिनेशन यानी उन्होंने बिल्कुल डिटर्मिंड होके बिल्कुल एक साथ लग के उन्होंने बहुत अपनी मेहनत करी, और कंटिन्यूसली उन्होंने मेहनत करी और स्विमिंग सीखी। तो बेसिकली करेज गाइडेंस और डिटर्मिनेशन से उनका डर गायब हो गया। विथ केयर, उनकी मदर ने उनकी बहुत केयर करी, यस केयर करी थी, बट फिर भी कितनी भी केयर कर लो, बिना करेज और गाइडेंस और डिटर्मिनेशन के आप अपने डर से ऊपर नहीं आ सकते। विथ मदर्स वर्ड्स, उनके माँ के जो उनके वर्ड्स थे कि बेटा ऐसे नहीं, वहाँ मत जाना, वहाँ के पूल में सेफ रहना, उस वजह से उनका डर ख़त्म हुआ, नहीं।
विथ गाइडेंस, तो यस गाइडेंस तो ऑलरेडी इसी में आ ही गया है, तो यस ऑप्शन नंबर ए विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, उनका जो डर था वो खत्म हुआ, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, YMCA stands for, चैप्टर में YMCA का मतलब क्या है, एक एरिया है जहाँ पे ये पूल होता है, स्विमिंग पूल है जहाँ पे बच्चे स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे उसका मीनिंग, उसका फुल फॉर्म क्या है, नंबर ए यंग मेन्स क्रिश्चियन अथॉरिटी, बी यंग मेन्स क्रिस्टोफर एसोसिएशन, सी यंग मेन्स क्रिश्चियन आर्मी, नो यंग मेन्स क्रिश्चियन असोशिया. तो यस ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन, दैट मीन्स यंग मेन्स क्रिश्चियन असोशिया इज द राइट ऑप्शन फॉर YMCA. नेक्स्ट, वेयर इज याकिमा लोकेटेड, ये जो याकिमा जगह है वहाँ पे याकिमा नाम की रिवर भी बहती है, तो ये याकिमा जगह कहाँ पर है, सो याकिमा के ऑप्शंस दिए हुए चार ऑप्शंस, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन या फिर नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन. वाशिंगटन में याकिमा नाम की जगह है जहाँ पे याकिमा रिवर फ्लो करती है. नेक्स्ट, वेयर डिड द राइटर गो वेन ही वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि जब राइटर 3 or 4 ईयर्स के थे तो वो कैलिफोर्निया के एक बीच में गए थे जहाँ पे बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स ने उनको नॉक डाउन कर दिया था, और वहीं से उनका वाटर का जो डर था, पानी का जो डर था, वो स्टार्ट हो गया. तो वॉशिंगटन गए थे वो, नहीं. न्यूजीलैंड गए थे, नो. कैलिफोर्निया गए थे, येस. कैनेडा गए थे, नो. तो येस ऑप्शन सी विच इज कैलिफोर्निया इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उनके दिल और दिमाग में पानी का डर आ गया था, वो पानी से रिलेटेड कोई भी वाटरफॉल्स होते थे, स्विमिंग हो गई, बोटिंग, फिशिंग, किसी भी एक्टिविटी से पास नहीं जाते थे, दूर रहते थे, तो ऐसा क्या हुआ था. तो ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन ऑफ वेव्स एट द बीच, क्योंकि कैलिफोर्निया के बीच में उनको वेव्स ने नॉक डाउन कर दिया था, यानी उनके ऊपर बड़ी बड़ी वेव्स आ गई थी और वो गिर गए थे, तो येस ये एक ऑप्शन था. बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, एक यंग बॉय था जिसने YMCA के पूल में उनको धक्का दे दिया था, तो वो तो बाद में हुआ था, उनका जो ये डर था वो तो पहले से ही था जब वो 3 or 4 ईयर्स की एज में गए थे, तो उसके बाद ये तो बॉय का तो बाद में आया. बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, नहीं, इंस्ट्रक्टर से डर क्यों लगेगा, इंस्ट्रक्टर ने तो उनको स्विमिंग सिखाई, पानी का डर खत्म करने में उनकी मदद करी. बिकॉज ऑफ हिज मदर, मतलब कुछ भी, अपनी माँ की वजह से वो क्यों डरेंगे पानी से, माँ तो बल्कि उनको और वॉर्न करती थी कि ऐसे मत जाओ, वैसा मत करो, या पानी से थोड़ा दूर रहना ताकि तुम डूब ना जाओ, फिर से तुम्हारा वो डर डेवलप ना हो. तो ऑप्शन ए विच इज़ बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन ऑफ वाटर, नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच वुड बी दी राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, वॉट इज हॉन्टिंग द ऑथर, हॉन्टिंग यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऑथर को हॉन्ट कर रही है, यानी डरा रही है. तो पहला, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जो पूल में एक्सपीरियंस हुआ था उनका, यानी कि जो एक 18 साल के बच्चे ने उनको धक्का दे दिया था पानी में, और वो 5 अटेम्प्ट किया उन्होंने ऊपर आने के लिए, स्विमिंग पूल के बाहर आने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए, और लिटरली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए पानी में, ब्लैकआउट हो गया था उनकी आंखों के सामने से. तो ये जो एक्सपीरियंस था, क्या इसकी वजह से पानी का डर उनको हॉन्ट करता था, हमेशा डराता था, घोस्ट उनको भूत की वजह से डर लगता था, नो. हिज मदर्स वर्ड्स, उसकी माँ के जो वर्ड्स होते थे उसकी वजह से उनको डर लगता था, नो. अ पुश बाय अ यंग बॉय, एक बच्चे ने उनको पुश कर दिया, धक्का दे दिया था पानी में, क्या इस वजह से उनको डर लगता था. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, बच्चे ने धक्का दिया और उसके बाद जो पूल में उनका टेरिबल एक्सपीरियंस हुआ था, वो लिटरली डेथ एक्सपीरियंस करके आए थे, यही उनको बार बार डर उनको डराता था उनका कि वो फिर से मर ना जाए कहीं. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ डिड दी ऑथर लर्न स्विमिंग, फाइनली ऑथर ने एंड में डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा और अपने इस डर के बाहर आऊँगा, तो उन्होंने एक ये स्विमिंग कैसे सीखी. तो ऑप्शन नंबर ए, विद द हेल्प ऑफ अ रोप, एक रस्सी की मदद से, ओके, नहीं. विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड की मदद ली उन्होंने उनको स्विमिंग सिखाने के लिए, नो. विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, उनकी मदर आई थी उनको स्विमिंग सिखाने के लिए, नो. विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, येस, उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि स्विमिंग टीचर को हायर किया और उन्होंने उसको स्विमिंग सिखाई, एंड देन उसके बाद उनका डर खत्म हुआ. तो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम, व्हाट डिड विलियम ओ डगलास डिजायर फॉर? जो हमारे ऑथर है उनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलास, उन्होंने क्या डिजायर की थी, यानी कि क्या इच्छा रखी थी कि मुझे ऐसा करना है? ऑप्शन ए विजिट टू कैलिफोर्निया, उन्होंने ये इच्छा रखी थी कि मुझे कैलिफोर्निया जाना है, नो. टू बी जज, कि मुझे किसी कोर्ट का जज बनना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मतलब. टू लर्न स्विमिंग, येस, उन्होंने ये इच्छा रखी थी कि मुझे स्विमिंग सीखनी है ताकि मैं स्विमिंग करके पानी के अपने इस डर को ख़त्म करूँ. टू बी विथ हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ ऑलरेडी रहते तो इसकी इच्छा जाहिर करने की कोई नीड थी नहीं वहाँ पे. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स टू लर्न स्विमिंग. ये उन्होंने डिज़ायर यानी कि इच्छा रखी थी बाद में. नेक्स्ट, वॉट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राउनिंग इन द पूल? जब YMCA के पूल में एक बच्चे ने उनको धक्का दे दिया था और जब वो ड्राउन यानी डूब रहे थे पानी में, तब उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा उनका एक्सपीरियंस था? नंबर ए टेरर एंड फेयर ऑफ डेथ, यानी कि मौत का जो डर होता है, टेरर, जो भयानक डर पीछे भागता है आपके, क्या वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था? स्विमिंग वॉज फन, क्या जब वो डूब रहे थे वो स्विमिंग को बहुत फन एक्सपीरियंस कर रहे थे कि वाह वाह मज़ा आ रहा है, मैं डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ? तो नो, ऑब्वियसली नो. नेक्स्ट, द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू. जब वो डूब रहे थे तो वो लाइफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके हाथ तक उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए, उनको बचाने के लिए नहीं आ पाया था. या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन, सो ऑल ऑफ दीज तो डेफिनेटली नहीं हो सकते. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ए, टेरर ऑफ डेथ. भले लाइफ गार्ड उन्होंने नहीं आया उनके हाथ में, बट स्टिल उनको जो मौत का डर वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, मौत से जो डर था, डेथ का जो टेरर था उनको, ये जो वो एक्सपीरियंस करके आए थे पूल में, इसने उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी थी. वो बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में ये डर बैठ चुका था. तो ऑप्शन ए वुड बी दी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? ये जो स्टोरी है जिसका नाम डीप वाटर है, इसकी पूरी थीम क्या है, यानी इसमें हमको ऑथर क्या समझाना चाहते हैं? तो नंबर ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि अपने डर को फेस करो, उसका सामना करो, तभी तुम्हारी विक्ट्री होगी, तभी तुम्हारी जीत होगी, वरना तुम जिंदगी भर डरते ही रहोगे उस चीज़ से. दूसरी चीज़ बीइंग फियरफुल, क्या इस चैप्टर में हमें ये सिखा रहे हैं कि आप फियरफुल यानी डरपोक ही बने रहो? तो ऑब्वियसली नो. टू लर्न स्विमिंग, क्या वो ये सिखा रहे हैं कि स्विमिंग सीखो सब लोग? तो स्विमिंग उन्होंने सीखी अपने डर का सामना करने के लिए. ज़रूरी नहीं कि आपका डर भी स्विमिंग से या वाटर से रिलेटेड हो, आपका जो भी डर है उसको फेयर करो, उसको फेस करो, एंड आपकी विक्ट्री होगी, आपकी जीत होगी विद डिटर्मिनेशन एंड करेज. तो स्विमिंग तो उनके केस में था, हमारे केस में नहीं हो सकता, या ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, कि आपकी जीत तभी होगी जब अपने डर का सामना करोगे, वरना डर हमेशा आपके पीछे भागता रहेगा और आप कभी भी उसके ऊपर या उसके बाहर नहीं निकल सकते. यू वोंट बी able to overcome your fear. तो option A would be the right option. Next, deep water is an excerpt from which book? एक बड़ी सी book है, उसका एक छोटा सा excerpt, एक छोटा सा part निकाला गया है और उसको आपको as a chapter present किया है हमारे author ने, जिस chapter का नाम है deep water. तो ये बड़ी सी book कौन सी है? पहली fear of water, second option of men and mountains, third how to swim, and D fearless. तो option है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ऑप्शन नंबर बी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, यही वो बड़ी सी बुक है जिसमें से जो आपकी स्टोरी डीप वाटर है उसका एक एग्जर्प्ट या एक पार्ट निकाल के हमें एज अ चैप्टर प्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट, वॉट डज डीप वाटर सिग्निफाई? ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हमको किस चीज़ की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है? तो ऑप्शन है ब्यूटी, इसमें सुंदरता के बारे में कुछ मुझे नहीं लगता बताया गया है. सो नो. डेप्थ ऑफ सी, कि समुद्र की गहराई कितनी है, नो. डेप्थ ऑफ ओशन, ओशन यानी महासागर की गहराई कितनी है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया. एंड ऑप्शन नंबर डी फियर. तो यस, चाहे समुद्र की गहराई हो या महासागर की, या सी या ब्यूटी, सी या ओशन, चाहे कोई कितना भी डीप हो, यहाँ पे बताया गया है कि आपको फियर से ऊपर निकलना है, डरना नहीं है चाहे पानी की कितनी ही डेप्थ हो. तो ऑप्शन नंबर डी फियर इज द राइट ऑप्शन. और यही समझाया गया है कि अपने डर से आप ऊपर उठो, डर से बाहर नहीं निकलोगे तो डर आपको हमेशा डराता ही रहेगा. आपकी विक्ट्री, आपकी जीत उसी में जब आप अपने डर को फेस करोगे और हिम्मत और करेज से बाहर निकलोगे, उसके ओवरकम करोगे.
नेक्स्ट, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल? उस स्विमिंग पूल में, YMC के पूल में डगलस को किसने धक्का दिया था? तो 18 ईयर्स के एक बॉय ने धक्का दिया था, एक यंग बॉय था, तो ऑप्शन है यंग बॉय, इंस्ट्रक्टर, मदर, वॉचमैन. तो यस, एक यंग बॉय था जो 18 ईयर्स का था, उसने धक्का दिया था. इंस्ट्रक्टर, जो उनका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, वो क्यों धक्का देगा? वो तो सिखाएगा, तो ये हो नहीं सकता. मदर क्यों धक्का देगी अपने बेटे को पानी में, मतलब कुछ भी. वॉचमैन, वहाँ का वॉचमैन क्यों धक्का देगा? वो तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए वहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन ए विच इज अ यंग बॉय, ये आपका राइट ऑप्शन है टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? तो विलियम डगलस के माइंड में क्या डर बैठा हुआ था, किस चीज का डर बैठा था? टू बी डिफीटेड, कि कोई मुझे हरा के जाएगा वॉर में? तो नहीं, ऐसी तो उनकी कोई लड़ाई नहीं थी और उनको कौन हराएगा, तो ऐसा तो कोई डर नहीं था उनके माइंड में. टू बी पुश्ड, कि कोई मुझे धक्का दे देगा? नहीं, क्योंकि जब वो स्विमिंग सीखने गए थे, वो तो नॉर्मली वहाँ बैठे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि कोई आके उनको धक्का दे जाएगा. अगर उनको डर होता कि कोई मुझे पुश करेगा पूल में, तो वो पूल के पास में बैठते ही क्यों? तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था, वो तो बच्चा आया 18 ईयर्स का और उन्होंने उनको पुश कर दिया पानी में, तो ये भी डर नहीं था उनके दिमाग में. बीइंग ड्राउंड, उनको सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए. ये ऑप्शन डी नन, कि आने के इनमें से उनको कोई भी डर नहीं था. तो ऑप्शन सी विच इज बीइंग ड्राउंड, कि कहीं मैं डूब ना जाऊं पानी में और मेरी डेथ ना हो जाए, बस इसी चीज का डर उनके माइंड में हमेशा रहता था. सो ऑप्शन डी वुड बी दी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड द बीच विथ हिज फादर. जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे, तो वो कैलिफोर्निया में एक बीच में, बीच पर घूमने गए थे अपने फादर के साथ. व्हाट कॉज द टेरर इन हिज हार्ट देन? और उसके बाद से उनके दिल में क्या टेरर, क्या डर बैठ गया था? तो ऑप्शन है द साइट ऑफ सी वेव्स, जो सी की वेव्स थी, समुद्र की बड़ी बड़ी वेव्स उनकी तरफ आ रही थी, क्या वो उनको डरा रही थी? द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो वेव्स थी, जो बड़ी बड़ी लहरें थी, वो बहुत फोर्स से उनको हिट कर रही थी, तो क्या ये डर बैठ गया था उनके दिमाग में? द कलर ऑफ द वाटर, अजीब सा है, जो पानी का आता हुआ हमारी तरफ पानी, जब बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, तो उसका जो कलर होता है जब हमारी तरफ आता है, तो क्या वो उनको डरा रहा था? ये ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें. तो येस, आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें, कि वेव्स का जो पूरा नज़ारा था, प्लस जो वेव्स उनको आके स्पीड में हिट कर रही थी, उनको गिरा दिया, वो लिटरली पानी में डूब ही रहे थे उस टाइम, ये सारी चीज़ें उनको डर पैदा करी थी उन, जब वो 3 or 4 years के थे. तो सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? जो YMCA के पूल में एक बच्चे ने, एक 18 साल के बच्चे ने उनको पूल में पुश कर दिया, तो क्या इमोशंस और क्या फियर्स, क्या फीलिंग्स उनको, और कैसा डर उनको फील हो रहा था जब उनको पानी में धक्का दे दिया गया? तो ऑप्शंस हैं फियर, वो डर गए थे उस टाइम बहुत, कॉन्फिडेंस, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था जब वो पानी में डूब रहे थे. थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो डूबूंगा ही नहीं, बाहर निकल जाऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था. फोर्थ, मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर. तो यस, फियर एंड कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड फीलिंग्स थी उनके माइंड में. क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि उन्होंने 5 अटेम्प्ट किए, 5 बार उन्होंने ज़मीन तक अपने पैर टच किए YMCA के पूल पे, और अपने आप को पुश किया, जंप करने की कोशिश की, ताकि वो एकदम उठ के बाहर आ जाए, सरफेस के पानी पर आ जाए, लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकामयाब जाती थी. तो सोचिए, डूबने की सिचुएशन में भी उन्होंने बहुत कोशिश की और अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि जब मेरे फीट हिट करेंगे ज़मीन पे, यानी पानी के पूल के अंदर जो फ्लोर है वहाँ पे, तो मैं जंप करूँगा और ऊपर सरफेस तक आ जाऊँगा. तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, यस, तो कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन जब 5 अटेम्प्ट उनके बिल्कुल नाकामयाब रहे, वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, और उन वो बिल्कुल उनको लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ, डेथ फील हो रही थी उनको, कि मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ, ब्लैकआउट हो रहा था उनकी आँखों के सामने, तो फियर भी हो रहा था उनको, बहुत डर भी लग रहा था. तो ये कॉन्फिडेंस एंड फियर की मिक्स फीलिंग्स थी. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल? अब जब वो पानी में डूब रहे थे, तो उन्होंने अपने माइंड में क्या प्लान बनाया कि मैं पूल के सर्फेस, यानी कि मान लीजिए ये पूरा पूल है, ये पूरा वाटर है, ये जो ऊपर का एरिया होता है, इसको हम कहते हैं सर्फेस. तो वो डूब रहे थे अंदर,
तो उन्होंने क्या प्लान किया कि ये जो फ्लोर है यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से जंप करूँगा तो मैं ऊपर सरफेस तक पहुँच जाऊँगा, एटलीस्ट अपने हाथ किसी को दिखाऊँगा तो कोई मेरी हेल्प करेगी तो करेगा। तो ये जो ऊपर का एरिया, इसे हम कहते हैं सरफेस। तो ही ट्राइड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, उन्होंने जंप करने की कोशिश की और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश की। तो यस, पहला ही आंसर हमें सही मिल गया। शाउटेड, उन्होंने चीखने की कोशिश की, नहीं पानी के बाहर आपकी आवाज़ नहीं जाती जब आप डूब रहे होते हो। क्राइड अलाउड, बहुत रोए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाउटेड हेल्प, उन्होंने हेल्प हेल्प करके शाउट किया, तो ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर ए, ट्राइड टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, ये उन्होंने कोशिश की ताकि वो पानी के बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। अब क्योंकि उन्होंने डेथ यानी लिटरली मौत एक्सपीरियंस करके आए थे, उनकी जान चली ही जाती लिटरली इस पूल वाले एक्सपीरियंस के बाद, तो उन्होंने उनको कैसे अफेक्ट किया, ऑथर को, ऑथर की आगे की लाइफ कैसी रही इस डर के साथ। ही बिकेम फेयरलेस, उनके दिलो दिमाग से बिल्कुल डर खत्म हो गया, ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो अब और डर गए, उनके दिलो दिमाग में ये डर बिल्कुल बैठ गया था, वो लिटरली हाइड्रोफोबिक बन गए थे, यानी उनको पानी का खौफ हो गया था। वो और कॉन्फिडेंट हो गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे होगा? तो ऑब्वियसली नो। बिकेम हाइड्रोफोबिक, यानी कि उनके दिलो दिमाग में पानी का डर बैठ गया, तो उन्हें लिटरली बीमारी हो गई थी पानी के डर की। तो ऑप्शन नंबर डी, बिकेम हाइड्रोफोबिक इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग लर्निंग टू स्विम। अब जब वो डूबे, विलियम डगलस डगलस जो थे, जब वो डूबे, ड्राउन हुए, डूब गए थे पूल में, उसके बाद वो बाहर आए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, आई विल लर्न स्विमिंग, तो उनका ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो नंबर वन, ही लर्न स्विमिंग, उन्होंने फाइनली स्विमिंग सीख ली। नंबर टू, लव फॉर स्विमिंग, उनको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था, ही हैड अ लव फॉर स्विमिंग। स्विमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वो उन्होंने स्विमिंग इसीलिए सीखी क्योंकि स्विमिंग डिफ़िकल्ट नहीं थी इतनी। अब उनके लिए तो डिफ़िकल्ट थी, भले आपके लिए और मेरे लिए स्विमिंग डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन जो इंसान जो हाइड्रोफोबिक है, जिसको पानी का खौफ है, जिसे पानी से डर लगता है, उसके लिए तो स्विमिंग मतलब छत से कूदने बराबर होगा, इतना डेंजरस होगा। फेस द फियर, उन्होंने स्विमिंग इसीलिए सीखी ताकि वो अपने डर को फेस कर पाए, अपने डर का सामना कर पाए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन, कि जब वो डूबे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूं, तो रीज़न उसका यही था कि ही वांटेड टू फेस द फियर, कि स्विमिंग सीख के उनको स्विमिंग करनी है, पानी के डर से बाहर निकलना है। नेक्स्ट, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। जो उनका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, उन्होंने विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया? ए, प्लानिंग से, उन्होंने बहुत प्लान किया। बी, विद द हेल्प ऑफ रोप्स, उन्होंने रस्सियाँ बांधी अपने अपने बेली पे और उनके बेली पे, और उसके साथ साथ उनको सिखाया बाय पुशिंग हिम इन द पूल, उन्होंने धक्का ही दे दिया उसको पूल में। अब जब धक्का दे दोगे तो भाई कैसे सीखेगा, ऑलरेडी वो बेचारा इतना डर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट, तो यस ये ऑप्शन सही है, तो ये भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट होगा। तो उन्होंने प्लान किया बहुत अच्छे से, उनके इंस्ट्रक्टर ने, उन्होंने बेल्ट्स बांधे और बेल्ट्स में से रोप्स अपने अपने जो स्टूडेंट है विलियम डगलस, उनको बांधी। किसने? उनके टीचर, उनके इंस्ट्रक्टर ने। और धीरे धीरे वो फिर रोप छोड़ते जाते थे ताकि विलियम डगलस को ये लगे कि वो उनके साथ ही हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वो उनके साथ होते थे और वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड भी थे। तो उन्होंने रोप्स और बेल्ट्स की मदद से अच्छे से प्लान करके विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग। अब डगलस को स्विमिंग तो सीखनी थी, इंस्ट्रक्टर उसने रख लिया, लेकिन क्या प्लान करा उसने कि मैं कैसे अच्छे से सीखूं? तो सबसे पहले ही प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्लान किया कि स्विमिंग सीखने के लिए मुझे एक इंस्ट्रक्टर की, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, तब जाके मैं स्विमिंग सीखूंगा, अदरवाइज नहीं सीख सकता। प्लान टू स्विम मोर, उन्होंने सोचा और स्विमिंग करता हूं, तो और स्विमिंग तब करोगे ना जब सीखोगे। प्लान टू वॉच स्विमर्स, उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे स्विमर्स को स्विमिंग करते हुए देखूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। तो ऑब्वियसली नो, जब तक आप स्विमिंग खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको नहीं आएगी। प्लान टू जंप, उन्होंने एंड में डिसाइड किया कि मैं पानी में जंप मारता हूँ और मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये कुछ भी है ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, ये इन्होंने डिसाइड किया कि चलो
अपनी स्विमिंग सीखने के लिए मुझे एक इंस्ट्रक्टर को रखना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल. जब वो पूल में डूब रहे थे, YMCA के पूल में जब उनको एक बच्चे ने धक्का दिया था, तो उन्होंने क्या किया अपनी जान बचाने के लिए. तो ऑप्शन ए, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप. उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खोया नहीं, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को ज़मीन से ऊपर पुश करने की कोशिश की ताकि वो ऊपर सरफेस के बाहर निकल पाए और हेल्प मांग पाए. शाउटेड अलाउड, वो चिल्ला ही नहीं पाए क्योंकि वो पानी के बाहर आ ही नहीं पाए. तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये सही है. कॉल्ड पीपल, उन्होंने लोगों को बुलाया. जो इंसान डूब रहा है, बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो वो लोगों को कैसे बुलाएगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ कोई डूब रहा है. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. शाउटेड हेल्प हेल्प, उन्होंने हेल्प हेल्प की मदद मांगी. तो कैसे बोलेंगे, कैसे चिल्लाएंगे जब वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो बाहर वो आए ही नहीं. तो ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और ज़मीन से जंप करने की कोशिश की ताकि वो बाहर आ जाएं और तब हेल्प मांगे, लेकिन वो बाहर आ ही नहीं पाए. सो ऑप्शन नंबर ए, ही यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, ये आपका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड फॉर. अब विलियम डगलस ने पांच कोशिशें करी कि वो जंप करके कैसे भी करके सरफेस तक आ जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब थी. तो वो क्यों फेल हो जा रहे थे, बार बार क्यों नाकामयाब हो जा रहे थे और पूल के बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे. ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में स्विमिंग का डर था. तो स्विमिंग तो वो सीखने ही आए थे, और अगर डर होता तो स्विमिंग सीखने क्यों आते. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. सेकंड, बिकॉज ऑफ फियर, उनके दिल और दिमाग में डर था, बिल्कुल भी नहीं. डर उनके दिमाग में नहीं था, क्यों, क्योंकि वो तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे और ऊपर अपने आप को पुश कर रहे थे. तो जब वो इंसान अपने आप को ऊपर पुश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो डर थोड़ी रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है ना बाहर आने की. तो ही इज़ नॉट अफ्रेड एट दिस मोमेंट. बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, क्योंकि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो मूव ही नहीं कर पा रहे, हिल ही नहीं पा रहे पानी में, तो वो क्या करें. बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, तो येस, वो एक पॉइंट ऐसा आ गया था 5 अटेम्प्ट्स करने के बाद कि उनके आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, वो अनकॉन्शियस फील करने लगे थे, उनके हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे लूज छूट गए थे और वो हैवी फील कर रहे थे बहुत. तो वो चीज़ तो आई गई थी, लेकिन बाद में अब डर भी आने लगा था कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, अब डेथ हो जाएगी उनकी. तो येस, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, कि उनको डर भी था और अब वो मूव नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल, उनकी बॉडी जैसे समझो फ्रीज हो गई थी, इस वजह से वो बाहर सरफेस के नहीं आ पा रहे थे. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट. ये जो स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट हुआ था, जब विलियम डगलस को किसी बच्चे ने, 18 ईयर्स के बच्चे ने धक्का दिया था, तो इस इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ उन पर क्या असर पड़ा. तो पहला ऑप्शन है डेवलप्ड फियर, इसकी वजह से उनके दिल और दिमाग में डर डेवलप हो गया, बिकेम कॉन्फिडेंट, वो और कॉन्फिडेंट हो गए. तो ऑब्वियसली नहीं, उनके दिल और दिमाग में तो डर बैठा था. बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट नहीं बना वो ओवर कॉन्फिडेंट क्या बना, मतलब कुछ भी. हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड. ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन. रीजन बिहाइंड, ये जो हाइड्रोफोबिया था, ये जो पानी का डर था, जो उन्होंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था, जब वो 3 to 4 ईयर्स के थे, अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच में गए थे, तब उनके दिमाग में ये डर बैठा था. उसके बाद ये जो YMCA का जो पूल वाला इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद ये डर फिर से रिवाइव हो गया, यानी फिर से वापस आ गया उनका. उन्होंने थोड़ा डर अपना ख़त्म किया था और सोचा था कि मैं YMCA के पूल में अपना स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन वहाँ पे अगेन आके इस बच्चे ने दोबारा उनको पानी में धक्का दिया और इस बार तो उनकी डेथ वाली हालत हो गई, लिटरली उनकी डेथ हो जाती. तो ये जो हाइड्रोफोबिया है, ये वापस रिवाइव हो गया, बचपन का डर जो था पानी का, वो फिर से रिवाइव आ गया, हो गया उनको. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल. डगलस ने कितनी बार पूल में से बाहर आने के अटेम्प्ट किए. ट्वाइस, दो बार, वंस, एक बार, 5 times, 5 times, थ्राइस, यानी 3 times. तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, दैट मींस थ्राइस. उन्होंने 3 times कोशिश करी थी बाहर आने की और तीनों उनके अटेम्प्ट जो थे वो फेल हो गए. नेक्स्ट,
Why did Douglas hate to walk with bare legs? अब क्योंकि जब वो YMCA पूल में स्विमिंग सीखने आए थे तो उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था जो कि निकर्स एंड शॉर्ट्स थे, तो उनको ये पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनके जो पैर हैं काफ़ी स्किनी हैं, काफ़ी पतली टांगें उनकी, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये कि अरे मुझे शॉर्ट्स पहना दिए, गंदे से मेरे स्किनी मेरे लेग्स दिखाई दे रहे हैं सबको यहाँ स्विमिंग पूल में। लेकिन फिर भी उन्होंने पहना, हिम्मत रखी, करेज रखा, क्योंकि उनको स्विमिंग सीखना था। तो क्यों वो हेट कर रहे थे बेयर लेग्स, यानी कि बिना किसी शॉर्ट्स के उनको ऐसे वॉक करना पड़ रहा था सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के? क्योंकि उनके अगली लुकिंग लेग्स थे, क्योंकि उनके पैर बहुत अगली बदसूरत दिखाई दे रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। फैट लेग्स क्योंकि उनके पैर बहुत मोटे थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। बिकॉज ऑफ स्किन कलर, क्योंकि उनका पूरा शरीर स्किन कलर का था। आप मुझे एक बात बताइए, सभी तो स्किन कलर के, तो ये तो कुछ भी ऑप्शन हुआ। बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, स्किनी यानी कि वेरी थिन लेग्स, वेरी थिन, क्योंकि उनके पैर जो उनकी टांगे थी बहुत पतली थी, इसलिए उनको वो बहुत हेट कर रहे थे कि मुझे ये बॉक्सर्स क्यों पहनने पड़ रहे हैं। तो है ऑप्शन नंबर आपका सही, विच इज डी, क्योंकि उनके स्किनी यानी कि बहुत थिन लेग्स है, इस वजह से उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहना बिकॉज ही वॉज कीन टू लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट, वाई डिड डगलस मदर रेकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल? तो विलियम डगलस की जो मदर थी उन्होंने उनको क्यों रेकमेंड किया, यानी क्या क्यों ऐसा सजेशन दिया कि उसे YMCA के पूल में स्विमिंग सीखनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज लोकल, क्योंकि वो लोकल यानी उनके घर के पास ही था। थर्ड, बिकॉज इट वॉज सेफ, क्योंकि वो पूल काफ़ी सेफ था। थर्ड, बिकॉज इट वॉज शैलो, क्योंकि वहाँ पर जो पूल में पानी है वो शैलो था, यानी कि नॉट वेरी डीप, यानी कि वहाँ पर इतना डीप वाटर नहीं था, इसलिए बोला था तुम यहाँ सीखो पहले। एंड थर्ड, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ, क्योंकि वो शैलो तो था ही था, यानी इतना ज़्यादा डीप नहीं था और सेफ भी था, तो बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बहुत सेफ स्विमिंग पूल था और इतना शैलो नहीं था, यानी इतना ज़्यादा डीप नहीं था, इसलिए उनकी मदर ने बोला था कि तुम यहाँ पर जाके पहले स्विमिंग सीखो एंड देन उसके बाद तुम्हारा इसका डर खत्म होगा। नेक्स्ट, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया, ताकि वो स्विमिंग सीख जाए और अपने डर के बाहर आ जाए? टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, क्योंकि उनको स्विमिंग में कॉन्फिडेंट बनना था इसीलिए। टू कम्पीट विद अदर्स, उनको दूसरों से कॉम्पिटिशन करना था स्विमिंग में, तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। टू फ्लॉन्ट, यानी दिखावा करना था कि देखो मुझे स्विमिंग आती है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, क्योंकि उनको अपने पानी के डर को ओवरकम करना था, यानी कि ख़त्म करना था, वो बिल्कुल अपने इस डर को ख़त्म करना चाहते थे बाय लर्निंग स्विमिंग। तो आंसर आपका है इसका ऑप्शन नंबर डी, टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर से वो बाहर निकलना चाहते थे स्विमिंग सीख के, एंड ऑब्वियसली जब स्विमिंग सीखेंगे तो वो कॉन्फिडेंट अपने आप हो जाएंगे जब डर खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, वॉट डज ऑब्लिवियन मीन? चैप्टर में एक लाइन आई है कि मैंने ऑब्लिवियन क्रॉस कर लिया और मेरे कर्टन ऑफ लाइफ फेल हो गए, यानी इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जब वो पानी में गए, बेसिकली क्या होता है जब कोई शो ख़त्म हो जाता है थिएटर में या कोई हम स्टेज पे परफॉर्मेंस देखते हैं, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो कर्टन्स बंद हो जाते हैं, साइड से ऐसे कर्टन्स बंद हो जाते हैं ये दिखाने के लिए कि शो ख़त्म हो गया। तो उसी से कंपेयर किया है विलियम डगलस ने अपनी सिचुएशन को। वो कहते हैं जब मैं पानी में था और मैंने 3 अटेम्प्ट किए बाहर आने के और मैं बाहर नहीं आ पा रहा था, उस टाइम पर मेरे कर्टन ऑफ लाइफ यानी कि मेरी आंखें जो थी बिल्कुल धीरे धीरे बंद हो गई, विच मीन्स कि मेरी लाइफ का जो शो है, मेरा लाइफ है, वो एंड हो गई। तो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का जो शो है अब यहीं ख़त्म हो गया, मेरी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा उन्होंने फील किया पानी के अंदर। तो यहाँ पे ऑब्लिवियन वर्ड का क्या मतलब है, वो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पवेलियन, पवेलियन क्या होता है? पवेलियन क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट ग्राउंड या किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक छोटी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पे प्लेयर्स चेंज करने जाते हैं या फिर रिफ्रेशमेंट्स कुछ खाने पीने जाते हैं, तो ये वो पवेलियन की बात कर रहे हैं क्या? सो ऑब्वियसली नो। थर्ड, चेंजिंग रूम, क्या ऑब्लिवियन का मतलब यहाँ चेंजिंग रूम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड, अनकॉन्शियसनेस, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो रहे थे, वो बेहोश हो रहे थे तभी उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, तो ऑब्लिवियन का मतलब बेसिकली अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है डेथ,
क्या डेथ होता है? नहीं, डेथ तो उनकी नहीं हो रही थी, वो बेहोश हो रहे थे पानी में, तो डेथ भी नहीं होगा. सो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ अनकॉन्शियसनेस. यानी कि वो यही कह रहे थे कि मैं बेहोश हो रहा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, जैसे किसी शो के पर्दे कर्टन्स बंद होते हैं वैसी मेरी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि मैं बेहोश हो रहा था, मैं अनकॉन्शियस फील कर रहा था पानी में. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? तो डगलस इतना डिटर्मिंड यानी इतना ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहा था कि मैं अपने इस पानी के डर से बाहर आके ही रहूँगा. आप सोचिए, वो मर रहा है, उसके इतना मरने की उसकी हालत थी, एक बार नहीं उसके साथ दो बार हो गया, और लिटरली अब भी उसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन, इतना हौसला है कि मुझे अब भी इस डर से बाहर आना है. तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कैस्केड. क्योंकि उनको कैस्केड के पानी में स्विमिंग करनी थी. कैस्केड क्या है? कैस्केड वहाँ पे उनके घर के पास एक बहुत फेमस वाटरफॉल था, झरना था, और वहाँ पे सब लोग इन्जॉय करने जाते थे, फन करते थे, स्विमिंग करते थे. उनका भी मन करता था लेकिन उनको पानी से डर लगता था. इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब डरूंगा नहीं, मैं स्विमिंग सीखूंगा ताकि मैं कैस्केड वाटरफॉल में जाके स्विम कर पाऊँ. सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज इट्स फ्रेंड हैज़ चैलेंज्ड हिम. क्योंकि उनके किसी फ्रेंड ने उनको चैलेंज किया कि तुम स्विमिंग सीखो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था. बिकॉज ही हैड अ बेट ऑन इट. क्योंकि उनकी शर्त, बेट यानी कि उनकी किसी दोस्त से शर्त लगी थी कि तुम स्विमिंग सीखो, तो उनकी कोई बेट नहीं लगी थी, उनको सिर्फ कैस्केड में स्विम करना था, अपना डर खत्म करना था पानी का. बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन अ मेडल. क्योंकि उनको स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना था और मेडल जीतना था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था. सो ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कैस्केड, ये एक वाटरफॉल था, इस वजह से वो काफ़ी डिटर्मिंड थे स्विमिंग सीखने के लिए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, वॉट वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इन टू दी वाटर्स ऑफ कैस्केड? अब वाटर्स ऑफ कैस्केड यानी इस वाटरफॉल में जाने में उनको क्यों डर लग रहा था? तो ऑब्वियसली उनको डर था, क्या चीज़ उनको रोक रही थी? तो ये उनका डर ही तो था जो उन्हें रोक रहा था वाटरफॉल में जाने में और सबके साथ इन्जॉय करने के लिए. सो क्या चीज़ें उनको रोक रही थी? तो ऑप्शन ए, मेमरीज ऑफ वॉशिंगटन. वॉशिंगटन की जो मेमरीज थी वो उनको रोक रही थी कि कैसे वो पानी में डूबे थे, कैसे वेव्स उनके ऊपर आ गई थी. अब वॉशिंगटन में तो वो ऑलरेडी रहते ही थे, तो वहाँ की मेमोरी यानी YMCA की पूल. मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, जब बचपन में वो अपने फादर के साथ बीच पे गए थे, तो वहाँ की मेमोरी का जो डर है वो उनको रोक रहा था. इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर. ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शंस आपको देगा उससे तो डर खत्म होगा, उससे डर होगा थोड़ी आपको, और तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी. मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल. पूल में जो बच्चे ने उनको धक्का दिया था और उस उनकी जो पूरी मेमोरीज में, यादों में जो वो पूरा डर था, इस डर की वजह से वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे उस कैस्केड वाटरफॉल में दूसरों के साथ एंजॉय करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? फाइनली डगलस ने एंड में स्विमिंग सीख ली, और उन्हें कैसे यकीन हो गया खुद पर कि वो जो पुराना मेरा पानी का डर है उसको मैं ओवरकम कर चुका हूँ, यानी मैंने उसको कॉन्कर कर दिया, यानी कि हरा दिया है मैंने अपने डर को. कैसे उनको फील हुआ कि बस अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है पानी का? तो ऑप्शन नंबर ए, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया. जब वो कैलिफोर्निया गए तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो दोबारा कैलिफोर्निया गए नहीं, तो ये ऑप्शन कुछ भी है. बाय जंपिंग इन टू द वाटर, जब वो पानी में जंप करे तो उनको लगा उनका डर खत्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंप करने का मतलब ये नहीं कि आप स्विमिंग ही सीख गए हो. बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग लेसन्स लिए वो सीख गए, तब उनको कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं, क्योंकि उसके बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो था. उनको उस लिटिल परसेंटेज ऑफ डर को भी खत्म करना था, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था? बाय स्विमिंग इन टू द लेक वेंटवर्थ. वो लेक वेंटवर्थ नाम के लेक में अकेले स्विमिंग करने गए थे, वो एक पूरा राउंड लगा के, पूरा चक्कर लगा के आए थे वो अकेले. सो ये जब उन्होंने अकेले कर दिया, तब फाइनली उनको यकीन हो गया खुद पर कि मैंने अपने उस पुराने टेरर, अपने पुराने डर को कॉन्कर कर दिया, यानी कि हरा दिया. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट, वॉट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? जब फाइनली विलियम डगलस लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करने गए थे अकेले, उसके बाद ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने उस पुराने डर को ख़त्म कर दिया, अब मुझे पानी का बिल्कुल डर नहीं है. उन्होंने कितनी माइल्स अकेले स्विम किया? तो ऑप्शंस है 4 माइल्स, बी 3 माइल्स, सी 5 माइल्स, या डी
टू माइल्स. तो ऑप्शन है सही डी, टू माइल्स. उन्होंने अकेले 2 मील स्विम करके गोल घूम के आए एंड फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने अपना पूरा पूरा डर खत्म कर दिया, मुझे पानी से कोई डर नहीं. नेक्स्ट, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ. अब ये लेक वेंटवर्थ था कहाँ जहाँ ये स्विमिंग करने गए. ऑप्शन ए इन न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन बी इन वॉशिंगटन, ऑप्शन सी इन कैलिफोर्निया, या ऑप्शन डी इन वॉशिंगटन DC. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इन न्यू हैम्पशायर. ये वहाँ तक अकेले गए थे और उन्होंने वहाँ पे लेक वेंटवर्थ था वहाँ पे स्विमिंग करी 2 माइल्स अकेले स्विम करके आए एंड फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरा डर खत्म हो गया. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको चैप्टर के MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं. अगर YouTube पे आपको अच्छे से हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com डालिए और जैसे ही आप डालेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेज मैंशनड है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th की इंग्लिश की वीडियोज़ देखनी है तो आप क्लास 11th पे क्लास 12th पे क्लिक करेंगे. जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी सारे टीचर्स जो 12th में पढ़ाते हैं एंड उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. यहाँ पे इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स आ जाएंगे जो हमने अब तक पढ़ा लिए हैं और कवर कर लिए हैं, सारे हमने कंप्लीट कर लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको चैप्टर 3 डीप वाटर की वीडियोज़ देखनी है एक्सप्लेनेशन की, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरी वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी. सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे आपको अच्छे से वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं तो ईजिली आप वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड जो एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर YouTube चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.